at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. At least I'm not alone in my apathy. There's more like me. Blue sky is turning blue. नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये है मेरे पति एंड ये मुझे लेके आए हैं कमाने के लिए कॉस्को एंड इतने बैगे यार गड्डी चे। कॉस्को ना बोल दिया करते ते फिर की ये कॉस्को नहीं आते की मां काम है इतना की जाऊंगा या इनके ना एक को इनको स्टोर अच्छा लगता है घूमने के लिए कॉस्को। रोटी खानी कॉस्को, नहीं खानी कॉस्को, जाना कॉस्को, आना कॉस्को, रोटी उधर इधर, इनकी जिंदगी का एक कोई स्टोर है गाइस कॉस्को। ओके चलो कॉस्को। कॉस्को ने मेरी जान ले ली है गाइस। देख लो बंदा किधर जा रहा है और मैं मेनू कह रहा है कि कॉस्को थोड़ी जा रहा हूँ। आ की है पीछे आयन दिया तैयार तू रो के कॉस्को सारा टाइम कॉस्को कॉस्को। अरे बीबी एन बाबू बंगो हो या ना मैं और मेरे हस्बैंड एक दिन कॉस्को आते आते। क्या आपके पति को कॉस्को इतना पसंद है गाइस बताना मुझे। सो हिम्मत को ना ये बाथ बॉम्ब्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड मुझे भी बाथ अच्छा लगता है तो ये मैं लेना चाहूँगी। कितने खूबसूरत भी हैं एंड प्राइस भी अच्छा है। पति हस्बैंड सैंपल खा रहे थे एंड सनू देख के उधर चले गए। क्यों किसी को पता नहीं चलेगा बहु मैं सब लाया वे तू ही ना कॉस्को सैंपल लाई तो उन्होंने खिंच के लिया है ना। और कोई गल नहीं मैनू लगा कि कोई कुड़ी काड़ी काम कर दी है जी इतने तो दिल मोहन दी है ये बीबी है जी सैंपल बेचन दी है। ट्रॉली हस्बैंड ने भर लिया गोलगप्पे भी रख लिए। सो कॉस्को से पिक करना है प्रिस्क्रिप्शन तो मेरे लिए हस्बैंड लग गए हैं लाइन में एंड मैं कर रही हूँ टाइम पास। वैसे हमें कॉस्को से आज कुछ नहीं लेना था, वैसे मैं हस्बैंड को मजाक कर रही थी क्योंकि कल परसों ही आए थे आपने ब्लॉग देखा होगा। पर फिर भी दो चार चीज़ें ले ली हैं मुझे ना ये वाली पालक लेनी अच्छी लगती है इससे मैं बनाती हूँ पकौड़े एंड बाथ बॉम्ब लिए हैं। और फिर मुझे याद आ गया कि मेरे पास लेमन भी नहीं है वो भी मैंने ले लिया है। टिशू पेपर लिए हैं, एप्पल लिए हैं एंड गोलगप्पे। ओके सो मेरा ना बहुत दिन से भिंडी खाने के लिए मन है या आलू गोभी नहीं खाई है मैंने तो वो मैं खाना चाहती हूँ। कोशिश करेंगे किसी इंडियन ग्रॉसरी में जाएँ या फिर वॉलमार्ट जाएँ क्योंकि मेरे पास घर में टमाटर भी नहीं है, यहाँ पर टमाटर नहीं मिले मुझे। सो उस ग्रॉसरी पर जाएँगे एंड भिंडी खाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मुझे। सो भिंडी खाने की कोशिश में हूँ मैं। जिड़े आयल में जाने का मैं डिसाइड करती हूँ कि उत्थे रौला घट है वहाँ पर सारी दुनिया आ जाती है। उनको लगता है कि बस ऐसी आयल से एंटरटेनमेंट बाकी बचाया बाकी सारे आयल्स बोरिंग हो गया। मेरे बाबे ने लगा लिया पागल हो गई है कुड़ी। सो यार अब मुझे कोई बोरिंग आयल ढूंढना पड़ेगा। देखो सारी दुनिया इतने आ गई सी। सो पति को चेक करते कि वो लाइन में लगे हैं या नहीं। वैसे ये जो टाइम पे हम आए हैं हिम्मत के स्कूल के टाइम पे इस टाइम पे ज़्यादा बीबियाँ एंड बाबे आते हैं
ओके, पति ने डिसाइड किया है नहीं लग गंदा। ओह देयर ही इज, रखो के रवाने पति को, उनको लगता है ओ किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे सारा पता चल गया। अच्छा जी, तो वो तो होर लंबी होगी, तू एक ही सोचते थे लाइना जो घूमी जाओगे, मैंने पता नहीं चलूगा कि तू करन की रहे हैं नहीं कि बछिंदे बन के घूमन दे कॉस्को दे, तो मेरे कोल ही रह लेंदे, मैं तो दूर क्यों भजन दे चीजा एक खांदा। सो पति ने डिसाइड किया है टाइम पास करने का, कहते कि उतनी बहुत बड़ी लाइन आ एंड मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि मैं मेरा ना कॉस्को का ऐसे, वैसे भी मुझे लगता है मेरा सारी ग्रोसरी स्टोर्स का ऐसे होता है कि जब मैं कुछ डिसाइड करती हूँ मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मैं सीधा सीधा वो लेती हूँ एंड घर चली जाती हूँ। पर हस्बैंड औरतों की तरह करते हैं, एवं चिंगी मिंगी हर आयल में जाते रहते जाते रहते जाते रहते, वो चाहते हैं कि कौन चीज़ मैं कर लेके जावा, कौन स्नैक लूँ, क्या करूँ, एंड फिर वो खाते नहीं है, फिर वो बया हो जाता है, आई डोंट नो बासी हो जाता है, बो आने लग जाती है, फिर मुझे सुटना पड़ता है। सो इसलिए पति पे अख रख रही हूँ मैं कि क्या लेना चाहते हैं, इसलिए वो शायद मेरी अख बचा के इस आयल में आ गए स्नैक वाले में कि कुछ ना कुछ पिक करेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, पर मुझे सब पता चल गया है। सो या दैट्स द स्टोरी। आपको लगेगा आप हर समय नशे में है और आपकी आंखें गहरी और लाल हो गई है। ओके, सो कॉस्को से हम लोग आ गए हैं एंड अब हस्बैंड गए हैं अपने बैंक का काम करने के लिए एंड आज प्यारा ब्यूटीफुल गर्म दिन है। जब भी कोई गर्म दिन होता है वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि गर्म दिन मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि गर्म दिन वाले दिन मैं सारा कुछ कर लूँ जितना कुछ भी कर सकती हूँ। एक और बात, बेल्ट पहन के बैठी हूँ मैं, क्यों आई डोंट नो, मुझे बेल्ट बेल्ट पहनते हैं हम लोग एंड जब हस्बैंड कोई काम भी करने जाते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि मैं भूल ही जाती हूँ बेल्ट को रिमूव करना एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेरे बेल्ट लगी ही रहती है, लोड भी नहीं होती, मैं लाई होती है। सो या अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे अपना टाइम पास करूँ। ओके, सो मैंने आपको कॉस्को में बताया था कि मेरा पिंडी खाने के लिए बहुत मन है। सो हमारे घर के पास एक ग्रॉसरी स्टोर है इंडियन, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग पिंडी की सर्च में। पिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको पिंडी अच्छी लगती है मुझे बताना। एंड सर्टेन टाइम आता है जब मुझे पिंडी खाने की क्रेविंग होती है, कई बार तो मैं खा के अक भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, पर हूँ मैं लगा काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है कि मैंने पिंडी नहीं खाई है, तो कोशिश है कि आज पिंडी खाई जाएगी। फिर मैंने याद आया कि मैंने ना कल रात को दाल बनाई थी, परसों कल ना लंच में मैंने दाल बनाई थी एंड रात को सोने से पहले मैंने दाल का आटा गूंद लिया था क्योंकि हिम्मत को मिस्सी रोटी बहुत अच्छी लगी। सो पिंडी नहीं बनाएंगे, मिस्सी रोटी खाएंगे, बट यहाँ पिंडी अगर मिल जाएगी तो उसको लेके घर जा सकते हैं, कल बना लेंगे या डिनर में बना लेंगे, आई डोंट नो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा कम बाहर खाना खाते हैं आजकल, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड एक किस्म के वेजिटेरियन बन चुके हैं एंड वेजिटेरियन के चक्कर में हमारे पास बाहर खाने की ऑप्शंस बहुत कम हो गई हैं। सो अगर बाहर खाने का सोचा जाए तो इंडियन फूड ही बचता है हमारे पास, क्योंकि सैलड सूलड तो हम खाएंगे नहीं, अगर खाएंगे तो वो घर में खा, इंडियन फूड की ऑप्शन बचती है क्योंकि इंडियन में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है वेजिटेरियन फूड को लेके। बट बिकॉज मैं इतना ज़्यादा अच्छा कुक हूँ आपको पता है, तो कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट मेरे लेवल का मैचिंग फूड नहीं बना पा रहा है। कैलगरी में अभी तक मुझे एक भी इंडियन रेस्टोरेंट ऐसा नहीं मिला है जिसका फूड मुझे अच्छा लगा हो, वैसे हमने ट्राई भी 3-4 ही किए होंगे। तो आपको पता है कि जब हम टोरंटो में थे तो मुझे बारबेक्यू टुनाइट का फूड बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो हमेशा फ्लेवरफुल होता है एंड उनके जो फ्लेवर्स की कंसिस्टेंसी भी सेम होती है, पर बिकॉज वो नॉन वेजिटेरियन था अब मेरे पास वो भी माइनस हो गया, अगर वो मेरे पास होता भी तब भी मैं नहीं खा पाती क्योंकि मैं सिर्फ दाल फुल्का खाती हूँ एंड या हो एंड ऑफ स्टोरी। ये इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत थी, आई डोंट नो, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा होगा, आई डोंट नो। सो आप बताती हो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा होगा। सो वो है कि सेल्फ डाउट करना। हम लोग ना हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं, लाइक हमें अपने आप में बहुत खामियां नज़र आती हैं, हम देखने में ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि मेरे में सब कुछ अच्छा है या अपने लिए लड़ भी सकते हैं, बट डीप इनसाइड हमारे पास इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हमें लगता है कि यार एवं ही है मैं, या अपनी बॉडी पसंद नहीं आती, अपने बाल नहीं अच्छे लगते, अपना शक्ल नहीं अच्छी लगती, नाक नहीं अच्छा लगता, अखाँ, कुछ ना कुछ हमें अपने अंदर प्रॉब्लम नज़र आती है। वो आपकी नॉलेज को लेके हो सकती है, एजुकेशन को कि यार मैं पढ़ाई नहीं की थी, या कुछ भी। एंड अगर कोई तीसरा बंदा आपको किसी चीज़ के लिए बोल दे, बुरा बोल दे, तो फिर आप इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है,
आपको लगता है कि ये चीजें सच है, उस समय पे हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि हम ऑलरेडी सेल्फ डाउट कर रहे हैं और किसी ने कुछ बोल दिया, एंड हाँ सबसे ज्यादा दुख इसलिए लगता है कि यार सच्ची शादी ये सच्ची है। बहुत सारे लोग ना इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं कि लोगों का बिहेव कैसे चेंज किया जाए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्या करें, ये वो, लोगों को सुधारने की वीडियोस बनाते रहते हैं या लोगों को सबक सिखाने की कि ऐसा करो कि उसको पता चल जाए, पर एक्चुअली आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और आप जैसे भी हैं उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। फिर अगर आपके साथ कोई कुछ भी करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा एंड आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे एंड किसी भी बंदे की हुई कोई बात आपको इफेक्ट नहीं करेगी। यस, अगर आप पे कहीं पे भी कोई अत्याचार हो रहा है या कोई बंदा के साथ बुरा कर रहा है, एक्चुअल में सिर्फ बातों के साथ नहीं, बातों के साथ भी ऐसे हो सकता है वैसे इमोशनल डैमेज, बट अगर आप उनकी बातें लेने के लिए क्लोज हैं तो उन बातों का आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप पे अत्याचार हो रहा है तो आपको उसके लिए आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उस चीज को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड अपने आप को उस सिचुएशन से कट डाउन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड उस रिलेशन से, उस बंदे से दूर रहने की भी जरूरत है। बस उसी बंदे के बारे में डिस्कशन मत करते रहें, आप अपने ऊपर काम करें, यस उस बंदे से दूर हो जाएं, क्योंकि अत्याचार करना जितना पाप है सहना भी उतना ही पाप है। आपको बताने की जरूरत है कि नो मोर। सो यस, पर आप अपने ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करें और इतना ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहें अपने ऊपर इनर वर्क, ताकि कोई कुछ करे उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और आपको किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि वो बंदा कहेगा कि आप बहुत खूबसूरत है तो आप खूबसूरत है, वो बंदा कहेगा तो आप स्मार्ट है, आपको नॉलेज है और आप बहुत अच्छे हैं। किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है, आपके डीप इनसाइड सब चीज़ों का आपको पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है और आप कैसे इंसान है। सो जिस दिन आप सेल्फ डाउट करना बंद कर देंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी एंड लोगों के कहे हुए विचार आपको हर्ट नहीं करेंगे एंड आप खुद ब खुद पॉजिटिविटी के दरिया में कूद जाएंगे कि नेगेटिविटी आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें कि मेरे दोस्तों ने मुझे हर्ट कर दिया, मेरे इन लॉज ने हर्ट कर दिया, वो आपको इफेक्ट ही नहीं करेंगी क्योंकि आप अपने अंदर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं ना, आपके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी है कि वो सारी चीज़ों को कट डाउन कर देगी। और ये करना कैसे है, अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपने को बेहतर बनाने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करें एंड मैं फिर से बोलूँगी कि मेडिटेट करें। मेडिटेट आपको सिर्फ सूद नहीं करता है एंड वो बहुत कुछ और भी करता है एंड अगर आप अपने आप को ये दूसरे रेल्म्स के लिए ओपन करना चाहते हैं, रब की आशीर्वाद के लिए ओपन करना चाहते हैं, तो मेडिटेट करना शुरू करें। हर एक दिन का एक मिनट का मेडिटेट आपके उस बड़े से इवेंट के लिए ऐड ऑन करता है। हर टाइम इतना पिद्दा पिद्दा ऐड होता है एंड आप हैरान हो जाएंगे जब आपको गॉड कोई साइन देगा कि एक्चुअल में वो है। सो या दैट्स माय ज्ञान। और अब ये ज्ञान किसको कितना समझ आता है ये मुझे नहीं पता। आज ना मैंने किसी की पोस्ट पढ़ी, किसी महर्षि की, उन्होंने लिखा है कि तीन चीज़ें गॉड डिसाइड करता है। पहली चीज़ कि हम ह्यूमन की बॉडी में जन्मेंगे इस धरती पे, ये सिर्फ गॉड डिसाइड कर सकता और कोई नहीं। दूसरा कि आप ये गॉड की चीज़ों में या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करेंगे या नहीं, वो भी गॉड ही डिसाइड करते हैं। अगर आप समवन हैं जो कहता है कि यार ना कोई यूनिवर्स है ना कोई रब है, तो ये एक्चुअली गॉड का ही प्लान है। वो चाहता नहीं है आप अभी तक उसकी तरफ जाएं, वो चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप फालतू चीज़ों में लगे रहें, वो भी शायद आपका कर्मा है। सो ये भी गॉड का ही प्लान है। और तीसरी चीज़ गॉड डिसाइड करता है कि किस टाइम पे आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होगी, किस दिन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, क्या पर्पस है और रब कौन है। जब आप ये क्वेश्चंस दिल से पूछना शुरू कर देते हैं ना, तो गॉड आपके लिए एक चैनल ओपन कर देता है एंड गॉड ही डिसाइड करता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गुरु आएंगे या नहीं आएंगे। तो जिस दिन आपकी ज़िंदगी में कोई गुरु आएंगे तो आप एकदम अलाइन हो जाएंगे एंड चीज़ें क्लिक ऑन हो जाएंगी। सो ये सारे रब के प्लान हैं। अगर आपको विश्वास है या मेरी बातें समझ में आ रही हैं, ये भी रब का प्लान है। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, मैं जाना कहा कि ये भी रब का ही प्लान है। सो यस, सारे रब के प्लान। हम लोगों को लगता है कि ओ मैं ही मेरा बॉस हूँ, बट अगर हम हमारे बॉस होते तो हमें सारा कुछ पता होता कि हम धरती पर क्यों आए हैं, कि होया, पर हमें नहीं पता तो हम बॉस नहीं है।
को खुला छोड़ा है तड़के वड़के की स्मेल उड़ जाए। वैसे तड़का मैंने कोई लगाया नहीं, पर वहाँ पे मैंने ना एक खुशबूदार वो भी चीज़ लगाई है, मैंने किसी पास्ट के। दोस्तों चाय पीने के बाद मैं और हस्बैंड चले गए थे पार्क में कुमी कुमी करने के लिए, एंड अब हम वापस आ गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मेडिटेट कर लूँ, क्योंकि आज डिनर हस्बैंड खाना नहीं चाहते हैं, पर मैं और हिम्मत खाएंगे बुलडक रामेन। वैसे बहुत कम खाते हैं हम, पर आज मन है खाने के लिए, एंड हमें ना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस भी लगता है मुझे और हिम्मत को, हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है। सो जब वो नहीं कुछ खाना चाहते हैं तो इस समय का फ़ायदा उठाते हैं मैं और हिम्मत, हम रामेन खाते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ मैं, बॉयल एग ऐड कर लेता है हिम्मत, एंड मैं आजकल एग भी नहीं खा रही हूँ। सो हिम्मत अभी ब्लैक बैक एली में अपने फ्रेंड के साथ खेलना चाहता है, तो दीना बॉल हस्बैंड का डिन हेल्प कर ले, निकल गई बॉल। सर आज आप डिनर में कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे वाटरमेलन दे दो, थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेंगे हम। हम कितने बंदे हैं आपके साथ सर? मैं हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा सूक्ष्म शरीर है, देखो मेरा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। ओके सो या सो हस्बैंड को हम वाटरमेलन देंगे और वो पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं, और मैं और हिम्मत खाएंगे बुलडॉग रामेन। सो क्योंकि हस्बैंड खाना चाहते हैं वाटरमेलन, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से वाटरमेलन को काट के रख लेते हैं, एंड वैसे भी इतना बड़ा वाटरमेलन फ्रिज में फिट नहीं आएगा, एंड ये हमारा इस सीज़न का, मुझे लगता है मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया है कि जब हम वाटरमेलन लेके आते हैं ना घर, तो मेरा सबसे पहला टास्क होता है वाटरमेलन को टेस्ट करना कि वो मीठा है या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है नॉट मीठे वाटरमेलन से। सो मैंने टेस्ट कर लिया है जैसे आपने देखा, एंड ये जो वाटरमेलन है बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मीठा नहीं है, पर बुरा नहीं है, अच्छा है, खाने के लिए स्वादिष्ट है, क्रंची है, पानी से भरा हुआ है। सो इसको ना हाफ कट लेते हैं हम, एंड हाफ को फ्रिज में सेट कर देंगे। चीनी हो गया, दिखने में थोड़ा लग गया है, बट हिम्मत ना बाहर प्ले कर रहा है, उसको पूछो अगर उसने खाना है तो। सो ये मेरे पास ना चॉपस्टिक्स हैं, इस पर फिट करके दे देते हैं हिम्मत को एंड उसके दोस्त को, अगर वो खाना चाहे तो। आई डोंट नो, हिम्मत तो खा लेगा, उसे तो अच्छा लगता है, ये बन जाएगा हेल्दी पॉप्सिकल। हिम्मत चला गया अपने दोस्त के घर के अंदर फॉर सम रीजंस, उसे बहाना चाहिए उसके घर के अंदर जाने के लिए, बहुत मज़ा आता है उसको, लड़के को। सो मेरे पास ना बहुत बड़ा कंटेनर नहीं है, इसमें थोड़ा सा निकाल लेते हैं एंड हस्बैंड को खाने के लिए देंगे, जो उसको अलग से रख देते हैं। सो ज़्यादा बड़े वाटरमेलन का ये भी पंगा है कि फ्रिज से फेटी नहीं आंदे। सो ये जाएंगे फ्रिज में, ये जाएंगे हम सारों के पेट में थोड़े, एंड ये मैंने पॉप्सिकल बनाया था उनके लिए, इसको करेंगे बंद, आई होप बंद हो जाएगा। मैं हिम्मत नूं भी देना चाहती थी बट उन्होंने घर के अंदर चला गया। खा लो जिन्ना, फिर मैं भी खा लूंगी थोड़ा। ठीक है, बुरा नहीं है, बट बहुत मीठा भी नहीं है, बट ओके है। कई बार ना बहुत बुरा होता है, खाया नहीं जाता। टाइम ओवर हो गया। So what you were doing? Exercises for training for soccer. तो कोच बन गया हैगा? No, we both were coaches, and my favorite one has to be
what we were doing 15 laps, and the person who's not lapping gets to do exercise. Then the other person who's done running comes back, they get to do some stretching before the next. दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, आप बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं, और आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। बस एक सोच क्रिएट करनी है एंड एक्शन लेना है। बहुत आसान है, राइट? एंड गाइस, समय वेस्ट मत करो, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है इस धरती पर। सो हर समय का फ़ायदा उठाएँ एंड कुछ अच्छा करें, एंड जो भी आपको करना अच्छा लगता है वो करें, या फिर अगर आप नहीं चेंज कर सकते जो भी कर रहे हैं उससे प्यार कर लें। दैट्स इट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्ञान।